हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन को कैसे भी हम सॉल्व करते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, हमसे क्या बोला है? वृत्त बनाने बोला है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस जगह पे वृत्त, ठीक है? ये बन गया मेरा वृत्त। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो बीच में होता है केंद्र, केंद्र से खींची हुई चाप की लंबाई पर क्या होता है? त्रिज्या होता है, ठीक है? तो यहां से लिखेंगे 5 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है? के बिंदु पर स्पर्श रेखा, इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का नाम, तो हमें क्या बनाना, एक स्पर्श रेखा बना देते हैं, ठीक है? पी क्यू, स्पर्श रेखा क्या होगा? पी क्यू, और यहाँ वेल्यू पी होगा और यहाँ का क्या होगा? क्यू, ठीक है? केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा पर मिलती है, तो केंद्र ओ ये मेरा हो जाएगा केंद्र, और केंद्र का वैल्यू क्या मान लिया वो, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे इस तरह, ठीक है? तो यहाँ जो ये मेरा होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब ये 90 डिग्री कोण बनेगा तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है? और समकोण त्रिभुज को सॉल्व करते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले इसको जब 90 डिग्री मान लिए है तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा वह कर्ण, क्या होगा? कर्ण, और ये मेरा हो जाएगा आधार, और ये मेरा हो जाएगा लंब, ठीक है? तो चलिए हम इससे सॉल्व करते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा भुजा निकालना, हमको पी क्यू, ये भुजा दे रखा है ओ ए, ओ क्यू, ओ क्यू कितना लिखा है 12 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है? और त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर को पहले से दिया हुआ है, तो याद रखना सिर्फ ये कि लंब और आधार दोनों को जोड़ देंगे तब अकेला कर्ण के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या होगा? कर्ण होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पी क्यू, क्योंकि हमें ये निकालना है, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर लिखेंगे रूट अंडर, ठीक है? ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू स्क्वायर माइनस, ठीक है, ओ पी, ओ पी स्क्वायर, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, ओ क्यू मेरा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे माइनस ओ पी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो करेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको करेंगे इस तरह से, ठीक है? 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 144, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 25, ठीक है? अब ये दोनों को जब घटा देंगे तो 119 आ जाएगा, ठीक है? जो कि मेरा इसका रूट अब नहीं निकलेगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? और ये इसमें ऑप्शन दिया रहता, ऑप्शन में आप इस तरह से टिक कर सकते हैं।